डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक लेक्चर देंगे और इसमें आपको स्पेशली सबसे पहले जब प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है पहले ये समझना होगा, क्योंकि जो हम जिस टॉपिक पर अभी चर्चा कर रहे हैं वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, मैनेजमेंट तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात सवाल होता है, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट जीवन में बहुत काम आता है। यदि हम व्यवसाय के क्षेत्र में यदि किसी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के सीखने के लिए ही पॉलिटेक्निक्स के अंदर ये सब्जेक्ट रखा गया है, ताकि आप किसी भी एक टॉपिक पे अपने आप को मैनेज कर लें और उस विषय के बारे में समझें और उससे वो अपने आप को स्थापित करें। जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, जीवन में मैनेजमेंट, वैसे भी जीवन जीने के लिए मैनेजमेंट की सख्त आवश्यकता होती है, और यदि हम इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को करना चाहते हैं, तो हमको प्रोफेशनल तो बनना ही पड़ेगा। यदि आप प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे तो उस सब्जेक्ट में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज अगर हम छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज के बारे में सोचते हैं, हम हमारे घर से स्टार्ट करते हैं, बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम हमारे घर की बात करते हैं। हमारे घर में पूरा परिवार है और पूरे परिवार कौन चलाता है? जो अर्निंग सोर्स कोई भी हो सकता है, हमारी मदर भी हो सकती है, हमारे फादर भी हो सकते हैं, जैसे आपका अपना परिवार है, ठीक है, जैसे आप दो भाई एक बहन है, आपकी मदर है जो हाउसवाइफ है, आपके फादर का सोर्स ऑफ इनकम है, वो इनकम में जितना भी वो जो भी उनका बिजनेस नौकरी जो भी करते हैं उससे वो अपना सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करते हैं और वो आपके घर पर लेके आते हैं। उस पैसे को ला करके वो पूरे घर को कैसे चलाना है, चलाने से मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने लाके पैसा दिया, नहीं, उसके अंदर उनको ये सब सोचना है कि मेरे दो बेटियां एक बेटा है तो उसको जो मेरे पास ये 50,000 रुपये मंथली मेरा इनकम सोर्स ऑफ इनकम, जैसे सपोज दैट आपके फादर 50,000 रुपये कमाते हैं, 50,000 रुपये आपका इनकमिंग है पूरे मंथ में, 50,000 रुपये आए चाहे मम्मी उस मैनेजमेंट में हैंडल करें चाहे पापा करें, ठीक है, तो उसमें वो सब चीज़ें डिसाइड होगी कि बेटी के लिए एजुकेशन में कितना खर्चा होगा, भाई बेटे के लिए क्या करना है, उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड टोटल इंक्लूड होगा, आपका रहना खाना उठना बोलना, इवन यदि आप टाइम टू टाइम आउट बाहर जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, प्लस आपका रेगुलर जो खर्च आता है, खर्च मीन्स जैसे पॉकेट मनी भी समझ लीजिए, या आपका एजुकेशनल जो आपका मंथली कहें ईयरली है जो खर्चा आता है उसको भी इंक्लूड करना होगा। ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं, ये सब कौन करेगा? ये आपके डैडी करेंगे, क्योंकि आपके डैडी उस मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं तब जाकर के एक घर चल पा रहा है। ये आपको समझाने के लिए छोटा सा एक तरीका बताया, लेकिन हम जो यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं हम व्यावसायिक क्षेत्र के मैनेजमेंट की बात। देखिए, घर के मैनेजमेंट में और व्यवसाय के मैनेजमेंट में फर्क है, नो डाउट फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि जो व्यवसायिक क्षेत्र का जो मैनेजमेंट है वो एक अलग चीज होती है और घर का मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंट थिंग है। हम यहाँ पर जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल में वो सभी मैनेजमेंट आते हैं जो किसी भी कोई भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाए, अपना निजी उद्योग चलाएं, दुकान चलाएं, जिससे आप अपना अर्निंग सोर्स करें, वो उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसी नहीं हो जाता, उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को बारे में हम मिनट टू मिनट चर्चा करेंगे और इस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बच्चा
एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब वो मार्केट फील्ड में जाएगा तो वो अपने आप को किस तरह से प्रोफेशनल बनाएगा, और प्रोफेशनल बना करके वो कोई भी अपना उपक्रम खोलता है, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, या कहें कि वो छोटा स्टूडियो खोल रहा है। जैसे आप अभी थोड़ी देर सुनिए, हम कमर्शियल आर्ट के बच्चे, आप कमर्शियल आर्ट के सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से 3 साल का डिप्लोमा करके जाएंगे तो नेचुरल आपके दिमाग में ये फीलिंग तो आती है कि हम यहाँ 3 साल का कोर्स किया तो क्यों नहीं हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंगे। और चूंकि जहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की बात आ सकती है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जाने के बाद आपको कहीं कहीं मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना पड़ेगा, आपको कोई ना बिजनेस लाइन पकड़नी पड़ेगी, कहीं कहीं आपको अपने जीवन में टारगेट अचीवमेंट करने के लिए कोई न कोई रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। बिना रास्ता तय करना जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको प्रोफेशनल नजरिया देखना पड़ेगा उस बिजनेस क्षेत्र में, या कहें कि उस इंडस्ट्री को जो भी आप डेवलप करना चाहती हैं, स्टूडियो डेवलप करना चाहती हैं, उसके अंदर आपको अपने आप में स्थापित करने के लिए आपको मैनेजमेंट प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। आखिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्रेन के अंदर किस किस तरह की बातें आती हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करने की कोई प्रक्रिया होगी। बिजनेस ऐसे तो नहीं हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया और डिप्लोमा करके चलो हमने डिप्लोमा गया एक सर्टिफिकेट प्रावधिक शिक्षा निर्देशन दिया और इसको लेकर के हम स्टार्ट नहीं। जब तक आप मैनेजमेंट की दुनिया नहीं समझेंगे, प्रबंध की तकनीकी नहीं समझेंगे, प्रबंध किस तरह से किया जाता है वो जब तक नहीं, प्रबंध ऐसी थोड़ी होता है, प्रबंध के लिए तकनीकी होती है, प्रबंध के अपने कार्य होते हैं, उस कार्य को जब तक आप नहीं करोगे तब तक प्रबंध नहीं होगा। हम जब चाहते हैं कि एक मिनट में हमारा मैनेज हो जाए, बड़ा मुश्किल है। छोटे से काम करने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, आप आपके कॉलेज के अंदर कल्चर प्रोग्राम और स्पोर्ट्स कैंप हो रहा है तो यही थोड़ी हो रहा है, इसके लिए देखिए कितने लोग इसमें लगे हुए हैं। प्रिंसिपल से डिस्कस होता है, आपका स्पोर्ट्स इंचार्ज होता है, कल्चर इंचार्ज होता है, हर बच्चे को सूचना होती है, डेट फिक्सिंग होती है, पॉइंट लिया जाता है, वेन्यू डिसाइड किया जाता है, एक्सपेंडिचर डिसाइड किया जाता है, ये सब क्या है, दिस इज द कंप्लीट मैनेजमेंट। ये सब बिना मैनेजमेंट के नहीं होता। तो उसी तरह से यदि आप जैसे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जानना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ से निकलने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाए कि चलिए मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालना चाहती हूँ, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालने के लिए आपके पास सब कुछ है, घर का पैसा भी है, आपने कोर्स भी कर रखा है, आप उस सब्जेक्ट को जानती भी हैं, लेकिन जब तक आपको मैनेजमेंट की टिप्स नहीं मालूम कि मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रबंध के कार्य क्या है, तब तक आप कोई भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो क्या है कि कभी भी कोई मैनेजमेंट करते हैं तो उसके कुछ कार्य होते हैं, उसमें पहला कार्य होता है नियोजन, ठीक है। आपने नियोजन का कभी नाम सुना? भाई नियोजन आपका अधिकतर आप नियोजन के बारे में जैसे आप सुनते रहते हैं नियोजन नियोजन, बेसिकली नियोजन इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग को, ठीक है। देखिए जब तक हमारे जीवन में कोई प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हम नियोजन कैसे कर पाएंगे बताइए आप। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को करने से पहले हमारे दिमाग में प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे अभी सपोज दैट आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आप थोड़ी स्क्रीन प्रिंटिंग का आप एक वर्कशॉप डालना चाहती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके पास गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है और वहां पर आप एक स्क्रीन प्रिंटिंग का एक वर्कशॉप डालना चाहती है, ठीक है। तो उस वर्कशॉप को डालने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में पूरा प्लान आना चाहिए कि मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का है जो वर्कशॉप डालूंगी उसमें मुझे इन इन चीजों की आवश्यकता है, ये सब। ये जब तक चीजें आपके दिमाग में इस तरह के प्लान नहीं आएंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि नियोजन क्या है, नियोजन क्या है, एक दिमाग की प्रक्रिया है, मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है। उस प्रक्रिया के अंदर आपकी
कंप्लीट बुद्धिमत्ता और आत्मकल्पना शक्ति और पक्के इरादा और दूरदृष्टि भी आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए नियोजन के नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है किसी मैनेजमेंट का। जब तक आप कोई काम करने का दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, कोई भी काम, चाहे आप कॉलेज में आने के लिए भी, अगर आप जब तक मन में ही ये सुबह ये नहीं सोचने की यस मुझे आज जाना है, क्लास में जाना है, सर की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास भी जो होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो जब तक हमारे मन में कोई पक्का इरादा नहीं होगा, ठीक है, देखो प्लानिंग करना एक अलग चीज है लेकिन पक्का इरादा भी बहुत जरूरी है। और आपके अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि का सेंस होता है कि आपको यह भी मालूम चल रहा है कि यदि मैं ये काम कर देती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बीच में मात खा जाऊं, नहीं, आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको उसके अंदर एक पक्के इरादा जब तक अंदर आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये काम हमें कब किस समय कहाँ किस जगह करेंगे। देखो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपके नियोजन के अंदर आती है। फिर उसके बाद नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अनिश्चितता से निश्चितता की ओर लेके जाती है। देखो प्लानिंग में कभी अनिश्चितता नहीं लानी चाहिए। अधिकतर जितने भी जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, वो इसीलिए मात खा जाते हैं। उनमें क्या है कि अनिश्चितता का बोध पहले पैदा हो जाता है और जिस बच्चे के अंदर जिस भी कहेंगे उपक्रम को स्टार्ट करने के बाद कोई भी बंदा जो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, वो अगर उसके अंदर करने से पहले यदि अनिश्चितता का दौर आ गया तो ये तय मानिए कि आप मैनेजमेंट में सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको बिल्कुल अनिश्चितता से आपको निश्चितता के दौर में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ेगा। देखिए कोई भी प्रबंध को स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा सा ये है कि आप जो आपने अपने उद्देश्य स्टार्ट किया उस उद्देश्य के अंदर जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप अपने माध्यम में अपने प्रबंध में आप सक्सेस नहीं मिल सकते, ठीक है। तो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि प्रबंध के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप साथ नहीं लेंगे तो आप प्रबंध में सफल ही नहीं हो सकते। कोई भी प्रबंध होता है तो उसमें बिना ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें काम करने वाले बंदे। जैसे आपने वर्कशॉप स्टार्ट किया तो वर्कशॉप में जो बंदे काम करेंगे, क्योंकि आप कुछ तो थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा, लार्ज स्केल की दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको आर्टिस्ट भी चाहिए, आपको प्रिंटर भी चाहिए, कच्चा माल भी लाना पड़ेगा, आपको रफ पेपर्स भी लाने पड़ेंगे, हो सकता है आपको नए इक्विपमेंट भी मार्केट से खरीदने पड़ जाए, और नए इक्विपमेंट के लिए आपने इतना, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट में कितनी पढ़ा है तो आप इस बात से तो कॉन्फिडेंस है कि आज के युग में क्या प्रिंटिंग की दुनिया चल रही है, कैसे कलर्स आ रहे हैं, किस तरह की मैस आ रही है, किस तरह की स्क्वीज आ रही है, तो सभी वेराइटी के आपको नॉलेज है, वो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सब चीजें मालूम होगी तो आप उस तरह की आप टेक्नोलॉजी भी आप अपने क्षेत्र में ईजाद कर सकते हैं और उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का आपने बढ़िया सिस्टम सेट कर लिया और आपने प्लानिंग के बाद आपको अच्छे बंदे मिल गए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अच्छे अच्छे लोगों की नियुक्तियां करनी पड़ेगी आपको। लेकिन जब तक आपकी स्टाफिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपके मैनेजमेंट में प्रबंध में जब तक काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। देखिए काम करने वाला जब तक अच्छा नहीं बनता जब तक कुशल प्रॉपर ढांचे का निर्माण नहीं होता, ये तय बात है।
आज हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए और कोई अच्छा काम करने वाला चाहिए, अच्छा मैकेनिकल ढूंढेंगे हम, अच्छा हार्डवेयर बिछाने वाला ढूंढेंगे। वाई ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा टारगेट है अच्छा घर बनाने का, जैसे एक हमारा मन रहता है कि एक अच्छा घर, एक सपना होता है कि हम एक अच्छा घर बनाए, एक प्यारा सा घर बनाए, तो वो प्यारा अच्छा घर हम तभी बना सकते हैं जब हम अच्छे लोगों को काम करने के लिए उसमें नियुक्त करें। ठीक उसी तरह जैसे आपने सोचा कि मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का वर्कशॉप खोलने जा रही हूँ, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन नियुक्तियां तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि आपको कैसे कैसे लोग उसके अंदर रखने हैं। ठीक है, जब आपने कुशल और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी तो फिर आप इजीली उसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंस होकर के आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये मानिए अगर आपने अच्छे आदमी की नियुक्ति कर दी तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, आप निश्चित रूप से टारगेट अचीवमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद सीधा सीधा आपको नेक्स्ट अगर यदि मैनेजमेंट का और आगे कार्य कराना तो सिर्फ सिर्फ आपको डायरेक्शन देने वाली बात आ जाती है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है निर्देशन। देखिए किसी भी मैनेजमेंट में जब तक डायरेक्शन नहीं होता तब तक मैनेजमेंट आपका सफल नहीं हो सकता। आप देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी फिल्में बनती है, कितने लोग काम करते हैं, क्राउड अलग काम करता है, कैमरामैन अलग काम करता है, लाइटमैन अलग काम करता है, और हीरोइन अलग काम करती है, स्पोर्ट्समैन अलग काम करते हैं, हाथी घोड़े क्राउड डांस इतना सारा एक साथ अपने फ्रेम के अंदर साइक्लोरामा में देखिए जब पिक्चर बनती कितनी छोटे पूरे स्क्रीन पे सब कितने लोग एक साथ दिख जाते हैं और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से काम करते हैं और वो हमको इस तरह से मतलब हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो जो कहते हैं वो मान जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। तो कहीं कहीं उसकी डायरेक्शन का तो कमाल ही है, तभी तो हम उस पिक्चर को देखने जाते हैं। भाई आज आपके शहर में भी कोई पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर ठीक है हमारे शहर में बन रही, लेकिन हम देखने से ही थोड़ी जाएंगे, हम फीडबैक लेंगे, अच्छी लगती तभी तो जाते हैं। पिक्चर जब दिखाई जाती है तो उसको इस तरह से उसको फिल्माइज किया जाता है कि वो हकीकत कहता है और हम जानते हैं, जबकि हमें मालूम है एक पिक्चर है, इसके अंदर जो भी आर्टिस्ट वो पैसा लेके काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से हावी हो जाती है, हम उसके साथ चलते जाते हैं और वो तो पिक्चर हमको 3 घंटे तक बांधे रखती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का कमाल, ये सब एक मैनेजमेंट के पार्ट है। देखिए मैं आपको इस तरह के एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज इजी गोइंग समझ में आए। देखिए जब तक आपको अपनी भाषा में कोई चीज नहीं समझ जाएगी आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज समझना अलग चीज है, लेकिन जो ही हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं, रूटीन लैंग्वेज समझते हैं, या कहें कि उस लाइन से हम चलते रहते हैं, जब पिक्चर देखना आपका एक रूटीन वर्क होता है, यू आवर पिक्चर देखते हैं, तो उस ऐसे उदाहरण में इसलिए बताता हूँ ताकि आप जल्दी से उस चीज को पकड़ पाए, तभी तो पकड़ पाएंगे जब मैं इस तरह के तौर तो डायरेक्शन सीधा सीधा सा है मैनेजमेंट में, डायरेक्शन नहीं होगा कुछ नहीं होता है। यदि आपने स्क्रीन प्रिंटिंग का वर्कशॉप डाला और आपके डायरेक्शन के अनुसार सारा काम किया तो निश्चित रूप से आपको अपने टारगेट से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है समन्वय, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं हो पाता। ठीक है एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन का। आपने कभी घर की छत बनती देखी? आप देखी होगी शायद आपको कई बार। ठीक है एक सामान्य परिवार आता है उसमें उसके सारे घरवाले होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसकी बहुएं भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, कुछ काम करने वाले वहाँ के घर के लोग भी होते हैं, ऐसे करके 20-15 लोग आते हैं और पूरा परिवार एक टोली के साथ आता है, उसमें बच्चे भी खेलते रहते हैं, काम भी होता रहता है और आपकी पूरी छत को डाल के चले जाते हैं। ठीक है कभी आपने उनको लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा कि तू ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ, तू बच्चे को खिला रही है, काम कभी नहीं। वो सब क्या है, उससे बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कोऑर्डिनेशन का। कि देखिए कोऑर्डिनेशन से वो एक छत बना देते हैं और उस छत से
जब छत मिल जाती है तो रहने की जगह मिल जाती है, वो बिल्डिंग बन जाती है, और हम भी तो थोड़ी छत के नीचे आज भी जैसे ये क्लासरूम है, तो छत किसने बनाई? उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और बिना कोऑर्डिनेशन के बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही प्रक्रिया अगर आप अपने जैसे आप मैंने आपको आपने कहा कि भाई हम है जो बनाना चाहते हैं, हम वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, तो वर्कशॉप में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अभी दो आदमी आपने स्टाफिंग के अंदर तीन बंदे लगाए और तीनों बंदे यदि आपस में लड़ गए, मैं जो करूँगा काम, ये कोई मेरा काम छोड़िए वो करेगा काम, अगर इस तरह का कोऑर्डिनेशन अगर शुरू भी हो गया तो आपका बिजनेस है जो रन करना बड़ा मुश्किल है। तो बिजनेस यदि आप रन ही करवाना चाहते हैं सच में, तो आपको कोऑर्डिनेशन की सख्त आवश्यकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा पहलू प्रबंध के अंदर है, वो है नियंत्रण, और उसके लिए बोलते कंट्रोल। देखिए जब तक किसी चीज में कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, उसमें अपव्यय जो वेस्टेज जाता है उसमें कंट्रोल नहीं होगा, तो आप घाटे में हो जाएंगे निश्चित तौर पे। जैसे आपने अभी स्क्रीन प्रिंटिंग का वर्कशॉप डाला, तो आप उसके लिए पेपर्स लाएंगे, पेपर्स लाने के बाद आपको कुछ भी आपके पास प्रिंटिंग का जो है तो आपको उसमें वेस्टेज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कंट्रोल के अंदर आती है, और कंट्रोल का जहाँ सवाल है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम हमारे निर्धारित लक्ष्य में अग्रसर नहीं हो पाएंगे, हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया, डैमेज हो गया। और जब कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो जाता है तो कहीं कहीं हमको आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ हो जाती है, और कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा, कोई भी आप स्मॉल स्केल, देखिए कंट्रोल एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप बिग अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे आपकी कोटा में डीसीएम है, तो उसके अंदर कंट्रोल डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब कंट्रोल करते हैं, ये अपव्यय को रोकते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी को रोकते हैं। तो ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नेतृत्व, आपके इस मैनेजमेंट को नेतृत्व कौन कर रहा है। देखिए नेतृत्व से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेतृत्व तो करने वाला जो आपका मालिक है किसी भी मैनेजमेंट, वो जब तक आपके अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को बीच बीच में उनको प्रोत्साहित करें, उनके परिवार में वक्त बेवक्त काम आए, उसकी सैलरी का ध्यान रखें, समय टू समय उसको हर टाइम टू टाइम जैसे उसके घर में जो फंक्शन उसको जाने दें, उसको बिल्कुल तो लेन के भाव से नहीं देखें, उसे देखें कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये बंदा, उसको परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तब जाकर के हम कहीं कहीं उस चीज को प्राप्त करने जाएंगे जो चीज हम कर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनने का, ठीक है। अब मैं आपसे एक और टॉपिक मेरे दिमाग का आया, वो है एंटरप्रेन्योरशिप की। देखिए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपने कभी नाम सुना भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कोई बता सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बता देता हूं आपको, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, ठीक है। हम इस महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, हमारा टारगेट यही है कि हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करें, अपने आप का उद्यम विकसित करें, उद्यम का मतलब स्वरोजगार की बनने के लिए कमियां हैं। और ये सत्य बात है कि हर आदमी आज कोई भी एजुकेशन ले रहा है वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए कर रहा है। ये आप ही नहीं, आप तो उस शहर में रहने वाले हैं जहाँ पर तमाम तरह की कोचिंग चलती है, तो ये सब बच्चे क्यों आ रहे हैं, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए तो आ रहे हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़ जाए, आईआईटी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन महिला पॉलिटेक्निक के अंदर जितनी भी पॉलिटेक्निक है, चाहे वो बॉयज पॉलिटेक्निक हो चाहे महिला पॉलिटेक्निक हो, इसके अंदर सीधा सीधा गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इसलिए आपका क्राइटेरिया 10th क्लास में लिखा है कि बच्चा 10th क्लास में अपनी एक लाइन डिसाइड कर ले, लाइन डिसाइड करने के बाद वो अपने आप को स्थापित करने के लिए सोचे और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाए।
एक अच्छे उद्यमी बनने के आप प्रयास करें। अच्छा उद्यमी कब बनेगा? जब वो किसी चीज का प्रशिक्षण लेगा, ठीक है। जैसे तरह तरह के महिला पॉलिटेक्निक्स के अंदर विषय हैं, कोई इंटीरियर डेकोरेशन का बच्चा है, जैसे आप कमर्शियल आर्ट के हैं, कुछ टेक्सटाइल के हैं, कोई कोस्टल डिजाइन एंड मेटेरियल के हैं, कोई मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, कोई CDDM के, अलग अलग यहाँ टॉपिक चलाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? उसका कारण ये है, टेक्सटाइल वाला बच्चा टेक्सटाइल वाली लाइन में पढ़े, आगे बढ़े, कुछ सीखे समझे। टेक्सटाइल में डाइंग है, प्रिंटिंग है, इंटीरियर में क्या है, इंटीरियर में बंदा इंटीरियर के संबंधित काम सीखे। कॉमर्शियल में, अब जैसे कॉमर्शियल, हम कॉमर्शियल की बात करते हैं, चलिए हम बहुत दूर भी हैं, आज कॉमर्शियल आप यहाँ पढ़ते हैं कॉमर्शियल, तो आपको तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कोई फोटोग्राफी भी करता है, कोई वीडियो शूटिंग करता है, ठीक है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ता है, कोई इलस्ट्रेशन बनाना सीखता है, ठीक है, कोई एडवर्टाइजिंग बनाना सीखता है, किसी कोई कोई कॉपी राइटिंग में मास्टर है, कोई वेब डिजाइन में मास्टर है, ठीक है, कोई आर्ट डिजाइन में मास्टर है। ये सब क्या है? आप कोई से भी एक लाइन पकड़े और लाइन पकड़ करके अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाए, तभी आप जीवन में सक्सेस होंगे। और यदि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने तो इन सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिटेक्निक खोलने का मात्र एक यही उद्देश्य था कि आप अपने आप को सेल्फ मेडेड बनाए, एंटरप्रेन्योर बनाए और अच्छे उद्यमी बनाए। देखिए, अच्छा उद्यमी ऐसे ही नहीं बन जाता, अच्छे उद्यमी के भी बहुत गुण होते हैं। ये जो गुण होते हैं तभी जाकर के आदमी एक अच्छा, जो बेटर एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें है, उसके वैसे तो आपके कोर्स के अंदर उसके कुछ गुण बता रखे हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे आज शेयर कर लेता हूं, क्योंकि इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या खास बात होती है और अच्छे एंटरप्रेन्योर कुछ तो लक्षण होंगे। उसमें पहला हो लक्षण है निर्णय लेने की पहल तथा क्षमता। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होगा उसकी सबसे बड़ी खास बात होगी उसकी डिसीजन पावर अच्छी, निर्णय लेने की क्षमता। यदि हम निर्णय नहीं लेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज कोई भी, जैसे आपके, अभी हम आपके घर की बात करते हैं, आपके फादर है, पैसा कमाते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, अच्छा भाई इसके लिए इतना पैसा, अच्छा तुमको फीस जमा करनी है, ये लो फीस जमा करो, अच्छा तुम्हें गाड़ी पेट्रोल डालना, तुरंत 100 रुपये निकाल के देते हैं, कैसे डिसीजन ले लेते हैं। और ये चीज आप अपनी मम्मी से पूछो तो वो सोचेगी बहुत देर कितना चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, और वो तुरंत निकाल के दे देते हैं। तो कहीं कहीं निर्णय लेने की क्षमता एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूंगी निर्णय लेना ही की क्षमता एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की सफलता की कुंजी है, ठीक है। इसलिए सही समय पर, सही निर्णय पर, ठीक है, अच्छा निर्णय लिया जाए तभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। नंबर टू है इसके अंदर सही सोच एवं शक्ति। देखिए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर सही सोच होनी चाहिए। सही सोच यदि नहीं होगी तो प्रॉपर निर्णय नहीं ले जाएगा, और जब तक सोच नहीं होती जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेते। तो सही सोच कब हो पाएगी? जब एक अच्छा उद्यमी अपने मस्तिष्क से कोई चीज का डिसीजन लेगा, तब जाकर वो सही सोच और सही सफलता उसको होगी। और उसके बाद तो सजगता जरूर होनी चाहिए। देखिए, सजगता का मतलब क्या है, ठीक है, सजगता मतलब बिल्कुल उसको हर चीज का मालूम रहना चाहिए, भान रहना चाहिए समय का, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक सजग जो जागरूक जो बंदा होता है वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट सजगता। यदि आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बहुत जरूरी है। जब तक आपको ट्रेंड नहीं मालूम पड़ेगा अपने आप को आप सेल्फ मैनेजमेंट नहीं बढ़ा सकते। और साथ के साथ आपको समय का भान होना चाहिए। जब तक आपको भाई क्या चल रहा है आधुनिक युग में, क्या चल रहा है मॉडर्न एज में, क्या चल रहा है, क्या पैकिंग प्लानिंग में आगे क्या चल रहा है, नई दिशा, नई सोच, ये सब चीज नई चीज नहीं होगी। जब तक आप कोई भी है जो अपने आप को अच्छे एंटरप्रेन्योर बना सकते। और सहयोग की भावना, देखिए जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, जैसे
आप किसी के साथ काम